देखिए, मैं पहले आपको करेक्ट कर दूं। आपने शुरू में कहा कि ये रामकृष्ण मिशन का मंदिर में आप गए, वो बेसिकली जो मंदिर है वो ब्रह्म समाज का मंदिर है और 138 वर्ष पुराना मंदिर है। 1886 में उस मंदिर को की वहाँ स्थापना हुई थी और वो ब्रह्म समाज का मंदिर है। यहाँ पर दो दिन की कॉन्फ्रेंस थी, राष्ट्रीय स्तर की जो कॉन्फ्रेंस थी, वो उसमें क्या होता है, जब वो ख़त्म होती है सेकेंड डे, उसके बाद जो है सभी जो डेलीगेट्स पदाधिकारी जो आते हैं वो अपने मंदिर में प्रार्थना उपासना करने जाते हैं। 2011 में भी ये यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुई ऑल इंडिया लेवल की, 2014 में भी हुई, तब भी डेलीगेट्स गए थे, हमारे पदाधिकारी गए थे सेंट्रल बॉडी के, और हम पिछले कल 16 तारीख को हम वहाँ पर बड़े शांतिपूर्ण ढंग से जो हैं हम लोग वहाँ गए, हम बैठे, हमने वहाँ पे जो है भजन कीर्तन किया और हमने जो है वहाँ पे एक कलश की स्थापना की और हमने जो है वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे। जब हमने उनको कहा भाई हम ब्रह्म समाजी जो हैं यहाँ पर अपना हमारा मंदिर है, तो फिर वो जो वहाँ पे जो दो स्वामी रहते हैं वो भड़क गए और उन्होंने थोड़ी देर देखा, मैं आपको इसकी वीडियोस भी दूंगा, थोड़ी देर देखा और जो हमने कलश स्थापित किया था उस कलश को उठा करके वो वहाँ से एक स्वामी बाहर को भाग गए। बाहर जब भागे फिर उनको जब पता लगा कि ये तो सारे लोग जो हैं ब्रह्म समाज के लोग हैं और यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं, उन्होंने जो है अपने गुंडा तत्वों को, बहुत से वहाँ लोगों को जो लैंड माफिया है, एक्चुअली इसके पीछे एक लैंड माफिया लगा हुआ है जो वहाँ उस लैंड को ग्रैब करना चाहता है। 32 बीघा ये ज़मीन है, ट्रस्ट की ये ज़मीन है। इसमें मैं आपको दो तीन बातें क्लियर कर दूँ, ट्रस्ट की ज़मीन को कभी भी बेचा नहीं जा सकता, लेकिन एक पैरेलल ट्रस्ट, डमी ट्रस्ट बना हुआ है जो इसको गलत तरीके से बेचना चाहता है और उन्होंने जो है दो डीड्स की हुई हैं, एक सेल डीड की है, एक गिफ्ट डीड की है। सेल डीड उन्होंने जो लैंडमार्क साथ में होटल है उसको की है और उन्होंने, आपने पीछे देखा होगा, उसमें 5-6 पेड़ भी उन्होंने काटे थे जिसमें कंप्लेंट हुई थी। और मैं आपको बताऊं, ये जो है मैं आपको कागज़ दिखा रहा हूं, ये 85 लाख रुपए में उन्होंने जो है ये सेल डीड की है और एक गिफ्ट डीड की है जो रामकृष्ण मिशन को जो है उन्होंने ये 4,45,000 में जो है ये किया है। जबकि ये आप ये ट्रस्ट की डीड है, ट्रस्ट डीड है जिसमें नियम लिखे हुए हैं कि ट्रस्ट की जो प्रॉपर्टी है उसको बेचा नहीं जा सकता। तो ब्रह्म समाजी लोग जो हैं अपने मंदिर में गए थे, उपासना करने गए थे, हमारे साथ माताएं बहनें भी थी, आराम से शांतिपूर्ण ढंग से जो है ओम का उच्चारण कर रहे थे, वेदों का उच्चारण कर रहे थे और उन्होंने जब वो गुंडा तत्वों को फ़ोन किया, वो जब एकदम से इकट्ठे हो, ऊपर तो पुलिस थी ऊपर वाले रोड पे, वहाँ से उन्होंने उनको आने नहीं दिया, वो पता नहीं जंगल से दाएं से बाएं से इकट्ठे होकर के काफ़ी लोग जो है वहाँ 40-50 लोग इकट्ठे हो गए और वो आए और उन्होंने अचानक एक ऐसा माहौल बना दिया कि मैं थोड़ा इस, उन्होंने वहाँ पे, मैं आपको बताता हूँ जो जिन लोगों ने उनको भड़काया, वहाँ पे स्वामी तन्मय हेमानंदा, राम रूपानंदा, ललित वर्मा, संदीप करण नंदा बीजेपी के मीडिया प्रभारी हैं, लैंडमार्क जांच का विषय है और पुलिस इसकी जांच कर रही है, लेकिन उनकी तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि आपकी तरफ से पहले हुटिंग वहाँ पर हुई है और जब जो स्वामी जी है उनका एक शाम को वीडियो हुआ है और 8:30 बजे मंदिर बंद होने का समय है, उसके बाद जो है वो वहाँ पर आपकी पक्ष की तरफ से जो है नारेबाजी की गई और वहाँ पर इस तरीके ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि आधी रात को मंदिर में कलश स्थापना की जा रही है? दिन में हुआ, उन्होंने कहा कि आधी रात को मंदिर में कलश स्थापना की जा रही है, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी? आज पुलिस के पास आप पहुंचा है क्या? देखिए, हमने आधी रात में कलश स्थापना नहीं की, हम 5:30 बजे वहाँ पहुँच गए थे और 5:30 बजे के बाद हमने वहाँ भजन कीर्तन भी किया और हमने फिर वहाँ कलश स्थापना जो की, उन्होंने थोड़ी देर हमारे को उस चीज़ के लिए देखा कि अच्छा ठीक है ये ऐसे बैठ गए हैं, और फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने जो है वहाँ से वो, लेकिन जो हमारे श्रद्धालु लोग थे वो दूर दूर से आए थे, उन लोगों ने जो है उनका वो आस्था का केंद्र है, 138 वर्ष पुराना मंदिर है और इतने वर्षों के बाद वो आते हैं, तो वो चाहते थे कि हम अपनी उपासना पूजा करके हम यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन जब जैसे ही हमारा ऑलमोस्ट वो कार्यक्रम ख़त्म होने वाला, तब तक उन्होंने जो है वहाँ कुछ गुंडा तत्वों को, इन लोगों को बुला लिया और वहाँ पर जो है एक ये अधिवक्ता हैं शीतल व्यास, उनके पति नितिन व्यास और कुछ एबीवीपी के लड़के, बजरंग दल के लड़कों को उन्होंने भड़काया, मैं आपको इसकी वीडियो भी प्रोवाइड करूंगा, और उनके भड़काने के बाद उन्होंने वहां एकदम से जो है पथराव करना शुरू कर दिया जिसमें हमारे 7-8 लोगों को चोटें भी आई।
पुलिस के पास क्यों पहुंचे? हम जो हैं कल वहाँ एसपी साहब आए थे, उससे पहले जो है वहाँ डीएसपी आए और एसडीएम साहब आए, वहाँ हमने उनको कागज़ भी प्रोवाइड किए। सुप्रीम कोर्ट से इसके ऊपर स्टे लगा हुआ है कि इस प्रॉपर्टी में जो है रामकृष्ण मिशन जो है दखलंदाजी नहीं करेगा, लेकिन वो उसमें जो है कुछ ना कुछ एक्टिविटी, कुछ ना कुछ एनक्रोचमेंट जो है वो करते रहते हैं टाइम टू टाइम। आज इसके बारे में नहीं, ये दूसरी कंप्लेंट के बारे में हमने जो कहा, जैसा प्रधान जी ने कहा, मैं आपको बहुत ही साफ और स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ कि ये जो कलश स्थापना और दूसरी चीज़ें हुई है, ये 5 बजे से 6 बजे के बीच की गई है। हमारा कोई, क्योंकि हम जो है साधना में थे, जैसे इन्होंने कहा सारे लोग जो है श्रद्धालु वहाँ बैठे हुए थे, लेकिन उनको इस चीज़ का ज्ञान उस समय शायद नहीं था कि भाई ये जो है यहाँ पर जो है इसको जो है 2-3 घंटे के लिए करने वाले हैं। और उनको जो है बीच में जो भड़काने वाले लोग आए और जिन लोगों ने भड़काने के लिए उनको प्रेरित किया, तो कुछ लोग उसमें ऐसे लोग आ गए कि जो उनको बाबू को उन्होंने उकसा करके जो है उनको इस चीज़ के लिए तैयार कर दिया कि भाई इनके साथ जो है हल्ला गुल्ला करो ताकि इनकी प्रार्थना सभा जो भंग की जाए और ये यहाँ ना बैठे, इनको यहाँ से बाहर खदेड़ो इस वजह से। और हमारे लोगों ने किस, आप बताइए, जो लोग अंदर प्रार्थना सभा में बैठे हुए हैं वो अपनी हूटिंग क्यों करेंगे? जब वो मंदिर उच्चारण कर रहे हैं तो वो हूटिंग का क्या मतलब है? हूटिंग वो लोग करेंगे जो बाहर बाहर खड़े हैं, जो इधर उधर से इकट्ठे होकर आ रहे हैं। और आप देखिए मज़ेदार बात के, हमारी बेटी जो है ऊपर, हम सब लोग ऊपर खड़े थे, बीजेपी के और इसके क्या नाम है एबीपी के लोग, ये ब्यास जी और इनका जो नाम अभी प्रधान जी ने लिया, उन लोगों को जो वहाँ से उसी गेट से जाने दिया गया और हम लोगों को जो है इनको सबको जो है रोक दिया गया और ऊपर ही ये बोले गए अभी इस पर। तो हमारा सीधा और स्पष्ट है कि इन्होंने जो है बिल्कुल सरासर ये जो है मनगढ़ंत, क्योंकि पहले इन्होंने शुरू किया हमारे को दबोचने के लिए। हमारे लोगों ने किसी ने भी किसी प्रकार की हूटिंग नहीं की, किसी प्रकार के, हाँ हमने भजन कीर्तन जो जरूर किया है उसको हम मानते हैं, लेकिन कोई हूटिंग कोई ये नहीं। सारी कार्रवाई जो इन लोगों की है जिन्होंने शुरू की, क्योंकि वो बाहर से चले पत्थर, ना कि अंदर से चले, अंदर तो मंदिर में बैठे थे लोग। तो आप बताइए, आप खुद जज बन के देखिए जरा कि भाई अंदर वाला जो है बाहर को पत्थर डालेगा, बाहर वाला अंदर को पत्थर डालेगा? शीशे बाहर से टूटे, खिड़कियां बाहर से टूटी, दरवाजे बाहर से टूटे, तो बाहर कौन थे लोग खड़े? बाहर इनके लोग खड़े थे, हम लोग तो अंदर थे और बैठे थे भक्ति में। तो बताइए आप कौन सच्चा कौन झूठा? जी जैसा कि अभी आपने कहा कि ऐसी क्या मजबूरी पड़ी जो हम रात को गए, तो आजकल अगर आपको पता ही है तो शाम अंधेरा जो है बहुत जल्दी हो जाता है ना, तो 5 से 6 बजे का टाइम मुझे नहीं लगता कि हमने, और जो संध्या उपासना होती है ब्रह्म उपासना वो शाम को 5 बजे के बाद ही होगी आई गेस, अगर आपको पता हो कि संध्या कब होती है तो। और जैसा कि ये जो कल की बात रही है, तो आप मेरे को एक बात बताइए, पुलिस प्रशासन वहाँ पे थी और उसके बावजूद जो है हमें वहाँ पे, हमें आ रहे लोगों को वहाँ पे नहीं जाने दिया गया, और इनके जो लोग हैं वो लैंडमार्क के लिफ्ट से, क्योंकि लैंडमार्क का ओनर उनके साथ वहाँ पे था और इनके साथ भी उन्होंने बहुत बदतमीजी की है वहाँ पे, तो उन्होंने अपने लोग तो लैंडमार्क के लिफ्ट से, लैंडमार्क के रास्ते से वहाँ मंदिर में पहुँचा दिए, लेकिन जो हमारे लोग थे हमें ऊपर गेट के पास रोक दिया गया कि एसडीएम साहब आएंगे, एसडीएम साहब के आने के बाद आप लोग नीचे जा सकते। एसडीएम साहब आ भी गए, एसडीएम साहब से बात भी हो गई, लेकिन हमें नीचे नहीं जाने दिया गया। लेकिन उसके बाद इतना टाइम होने के बाद हम लोग सिर्फ, वो लोग सिर्फ शांतिपूर्वक जो आप, और जो आप बोल रहे हो कि हाँ जी आप लोगों ने हूटिंग की, आप लोगों ने वहाँ पे जाके पहले हल्ला गुल्ला किया, तो हम आपको बता दें हम लोगों ने वहाँ पे जाके सीधा पहले वहाँ पे जो लोग गए थे उन लोगों ने सिर्फ वहाँ पे जाके मंत्र उच्चारण किया है, उसकी वीडियोस भी है आपको दे दी जाएगी। और जो आप बोल रहे हैं कि हमने हूटिंग की, तो हमारे पास भी वीडियोस है, हमारे पास भी वीडियोस है जिसमें साफ दिख रहा है कि वो लोग नारे लगा रहे हैं, और वो नारे क्या लगा रहे हैं, वंदे मातरम, जय भारत, भारत माता की जय, ये हिंदू जागो, जागो हिंदू जागो। हम क्या है, हम कहाँ से आए हैं? नहीं, हम मुसलमान हैं या, और मुसलमान भी है तो क्या मतलब, इंसान नहीं है, ये क्या मतलब है धर्म राजनीति करना? और आप मेरे को एक बात बताइए, वो स्वामी हैं वहाँ पे रामकृष्ण मिशन के, जो दो स्वामी हैं, स्वामी तन महिमानंद और वो जो अपने आप को बहुत स्वामी मानते, अगर वो इतने धार्मिक है, उनको नहीं पता चलता कि वो हम वो ऐसे धर्म के बीच में वो कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? ये रात को पथराव की घटना कितने बजे? करीबन 1:30-2 बजे। तो फिर 1:30-2 बजे तक क्या करते रहे? जब आप खुद बोल रहे हैं मंदिर खुला उस टाइम तक क्या करते रहे?
क्योंकि जब कुछ नहीं, हम लोग वो डीएसपी वगैरह सब लोग जो स्पॉट पे थे वो लोग सिर्फ सॉल्यूशन निकालने की बात कर रहे थे, इनसे बात कर रहे थे कि आप बताइए, तब तक सब शांति थी। लेकिन जैसे ही जो है एएसपी साहब नीचे गए वहाँ पे पुलिस, पूजा अर्चना होगी तो 1:30 बजे तक क्या वहाँ पे रुकने का? देखिए 1:30 बजे तक रुकना पड़ा, रुकना पड़ा, डिस्कशन चली, आप बताइए ना, जब अंदर लोग हैं और बाहर से इतना हंगामा हो रहा है, पुलिस प्रशासन वहाँ पे, तो हम लोग क्या करें? हम लोग निकल जाए झूठा साबित होके? क्यों हम लोग वहाँ पे लड़े? क्योंकि हम लोग सच्चे थे। हम लोग ये क्या मतलब हुआ कि आप लोग वहाँ पे 1:30 बजे पूजा करने का किसी ने कोई समय निर्धारित किया है क्या? मुझे तो नहीं लगता। और जो लोग बाहर से आए हैं, उन लोगों ने बाहर जाना है, कॉन्फ्रेंस 2 दिन की थी, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया से प्लस बांग्लादेश से जो है लोग आए हैं। तो आप मेरे को बताइए, वो लोग वेट करेंगे? वो लोग 2-4 दिन और रुके यहाँ पे अपनी ब्रह्म उपासना करेंगे? जब ब्रह्म उपासना शाम के, हाँ आप लोग मेरी वीडियो क्लिप कट कर सकते हैं अगर आपने करनी हो, मैं पर वही चीज बोल रही हूँ जो सच है, ठीक है। आप देखिए वहाँ पे, और वो शीतल व्यास हमारे सामने वहाँ से गई, उनका हस्बैंड, और हम वहाँ पे खड़े हुए थे, हमें पुलिस वालों ने कहा कि आप वापस जाइए, ठीक है। और शीतल व्यास, आप मेरे को खुद आप वीडियो में देखना, इतना बड़ा पत्थर उठा के डंडा लेके पुलिस वाले उसे रोक रहे हैं, शीज अ लेडी। फिर मीडिया में उछाला जाता है कि हम जो है ब्रह्म समाज के हम लोग, आप मेरे को बताइए, इतना डीजीपी 2022 में डीजीपी ने मेरे घर में आके ही मुझे अरेस्ट किया। एक मिनट, मैं पहले बोल दूं, आप मेरी अगर बाइक ले सकते हैं तभी लीजिए, नहीं तो मैं फिर बोलना छोड़ देती हूं। मेरे को जो बोलना है अगर मीडिया वाले पक्ष देंगे मेरा तो मैं बोलूंगी, ठीक है। मेरे को बताइए, डीजीपी ने मेरे को आके इल्लीगल तरीके से अरेस्ट किया, ठीक है, घर पे आके, सेकंड सैटरडे वाले दिन, ठीक है, घर से बुलाया गया, उन्होंने मुझे अरेस्ट किया। और मेरे को बताइए, वहाँ पे जब इतनी पुलिस प्रशासन थी तब भी मेरे को, मतलब मुझे बताइए ना, मुझे रिस्ट्रेन करने का मतलब क्या था शाम तक? मुझे क्यों SDM ऑफिस बुलाया गया? SDM ऑफिस शाम छुट्टी वाले दिन क्यों खुलवाया गया? सिर्फ मुझे यहाँ पे ला के हैरास करने के लिए? मैं सिर्फ इतनी सी मांग करती हूँ कि जो है मुझे जस्टिस दी जाए, क्योंकि जो अभी SP ऑफिस से DSP की रिपोर्ट फाइंडिंग आई है उसमें साबित हो चुका है कि DGP कुंडूर जो है उन्होंने गैर कानूनी तरीके से जो है मुझे डिटेन किया है, ठीक है। इस करके जो है आप, मैं तो यही सबसे निवेदन करूंगी और सरकार से भी निवेदन करूंगी कि प्लीज़ हमारे साथ आए, जुड़े, हमारे को बताएं, हमारे को सपोर्ट करें, और जो है जिन जो कल्प्रिट्स हैं उनके अगेंस्ट FIR हो और उनके अगेंस्ट सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। 3 टाटा टियागो की गाड़ियां और 5 होंडा स्कूटी तक जीत सकते हैं, तो देरी किस बात की, जरूर विजिट कीजिए भूषण ज्वेलर्स लोअर बाजार सोलन।